साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेट टीचर्स भर्ती न्यूज वेटिंग लिस्ट 2018 के जी बी विद्यालय 32 टीचर्स भर्ती 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर सी टेट 2023 न्यूज टूडे क्यूट न्यूज टूडे जानिए सब कुछ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। गजेटेड की वरिष्ठता सूची नए पन्ने से फंसी क्लास 2 में पदोन्नति, 11 LT और 9 प्रवक्ता का अनुपात बदले जाने से नाराज शिक्षक पहुंचे कोर्ट, राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में समय पर कार्य निष्पादन न किए जाने से शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक LT एवं प्रवक्ता के अधीनस्थ राजपत्रित गजेटेड बने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची न बनने से 6 वर्ष से ज़्यादा समय से क्लास 2 में पदोन्नति अटकी है। अब यह लड़ाई तेज हो गई है कि पूर्व की तरह 11:9 के अनुपात में यानी 11 LT के और 9 प्रवक्ता के क्रम में ही पदोन्नति की जाए। आयोग के गठन व मुख्यालय पर असमंजस्य आंदोलन की तैयारी, बेसिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां ठप होने से प्रतियोगियों में है ना। एडिड माध्यमिक विद्यालय व एडिड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT एवं प्रवक्ता संवर्ग PGT के 4163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 10 महीने पहले आवेदन लिया था। इसके लिए 12 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने आवेदन किया। उसके बाद से भर्ती परीक्षा की तिथि का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड के सदस्य पूर्ण होने की वजह से यह अब तक घोषित नहीं हो पाया। पुरानी पेंशन बहाली को एक साथ जलाई मशाल, नई पेंशन स्कीम वापस लेने की मांग, रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने भरी हुंकार, जुलूस निकाल कर की नारेबाजी और किया प्रदर्शन। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 32 पदों पर होगी नियुक्ति, पूर्णकालिक शिक्षकों के 14, अंशकालिक के 15, लेखाकार के 2 व रसोईया का 1। जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय पालिका स्कूलों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में शिक्षकों के 29, लेखाकार के 2 व रसोइयों का 1 पद पर चयन होना है। इसके लिए BSC ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन में कस्तूरबा गांधी आवासीय पालिका स्कूलों में कार्य कर रहे टीचर पद रिक्त, जो जिसमें हिंदी के 3, विज्ञान के 2, गणित के 5 और अंग्रेजी के 4 पद शामिल है। इसके अलावा अंशकालीन शिक्षिका के 15 पद रिक्त है, जिसमें से कंप्यूटर के 6, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के 3 पद। 2000 के नोट बदलने के लिए फॉर्म ID की जरूरत नहीं है, SBI ने जनता को सभी सुविधाएं देने का दिया है आदेश। हाल ही में चैन से वापस लिए गए 2000 रुपये के अधिकतम 10 नोट कुल 20,000 रुपये के बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। RBI ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। एक ही जगह पर मिलेंगे सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी, फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची भी उपलब्ध। CUET UG शुरू, पहले दिन 77% तक। शहरों में 440 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा बता देती कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्यों के चुनिंदा विश्वविद्यालय, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में CUET के जरिए स्नातक में प्रवेश होगा। ऐसे संस्थानों की कुल संख्या करीब 200। CTET एप्लीकेशन फॉर्म 2023 लास्ट डेट नज़दीक है। CTET एप्लीकेशन लास्ट डेट विल बी शेड्यूल्ड ऑन 26 मई 2023। द CBSE विल बी कंडक्टेड द 70th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन दिसंबर। CTET का टेस्ट आपका जो है दिसंबर में होगा और 26 मई लास्ट तारीख है, लास्ट तारीख नज़दीक है। जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनके सेंटर नज़दीक आएंगे और जो बाद में भी रह रहे हैं उनके फॉर्म दूर जा सकते हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ। LT ग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, परंतु इससे पहले यह सूची या वेटिंग लिस्ट वालों की सूची दोबारा आएगी। इसमें जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी फायदा होगा, क्योंकि 27 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी जॉब दूसरी जगह पर लग गई है। अब नए सिरे से यह सूची जारी होगी और उसके बाद जा कर के LT ग्रेड 2000 वेटिंग लिस्ट 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।